हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। और चैन इस रेसिपी के बारे में बताने से पहले हमारे तरफ से आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल साबूदाना कैरेमल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाने में बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो मैं एक कप करीब साबूदाना ली हूँ, जो कि बड़े साइज वाले साबूदाना हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो आप भी इस साबूदाने से ही इसे बनाइएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। जिन्हें साबूदाना खाना एकदम पसंद नहीं है, उन्हें ये डिश बना के दीजिएगा, आप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अभी नवरात्रि का समय है तो मैं सोची कि आपके लिए कुछ ईजी सा रेसिपी लेके आऊँ। साबूदाना को फुलाना नहीं है, भिंगाना नहीं है, सिर्फ इसे आप अच्छे से देख लें। इसमें कुछ कंकड़ पत्थर या कुछ ऐसा है तो अच्छे से निकाल लें और इसे ले लें। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले पैन को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं देसी घी 2 चम्मच डालूँगी, और घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब मैं इसमें साबूदाना डालूँगी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो ही आप इसे अच्छे से बना पाइएगा। और साबूदाना का कैरेमल इतना अच्छा बनेगा कि वो दांत से चिपकेगा भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और करारा बनेगा। घी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें सारे साबूदाने को डाल दे रही हूँ और इसे लगातार चलाते हुए इसे भूनूंगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं, यदि हमारे वीडियो को आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हमारे चैनल पे आपको बहुत ही इजी तरीके से बनाए जाने वाली रेसिपी की वीडियो मिलेगी, जो कि आप घर के सामान से ही आराम से बना सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और वीडियो को फुल वॉच करें। और जिन्होंने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है, जिन्होंने हमारा वीडियो को देखा है और देख रहे हैं, उन सभी का दिल से धन्यवाद करती हूं मैं। इसी तरह हमारा वीडियो देख के हमें सपोर्ट करें, हमें आगे बढ़ाएं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये साबूदाना भूनने लगेगा, वो साबूदाने का साइज़ जो है सो बड़ा होते जाएगा और ये फूलना शुरू हो जाएगा। इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक भूनना है। साबूदाना भून चुका है, अब मैं इसे दूसरे बर्तन में खाली कर ले रही हूँ, क्योंकि पैन गर्म है तो ये जल सकता है। देखिए इसका साइज भी बड़ा बड़ा हो चुका है। अब फिर से मैं वापस से पैन को चढ़ा ली हूँ और इसमें 2 चम्मच करीब घी में डाली हूँ, और इसमें मैं 1/2 कप चीनी का डाली हूँ। आप चीनी जैसा खाना पसंद करते हैं, लेकिन इतना चीनी तो लगेगा ही, क्योंकि इसका मैं कैरेमल बना के फिर इसमें साबूदाने का कोटिंग करूँगी तो इसके लिए इतना चीनी तो लग ही जाएगा। और इसे मैं अभी मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ, और जब ये चीनी मेल्ट हो जाएगा तो मैं गैस के फ्लेम को लो कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा कलर चेंज करना है, इसका थोड़ा कलर चाहिए। तो इसके लिए अब मैं गैस के फ्लेम को लो कर दी हूँ और लो फ्लेम पे इसे पकाऊंगी। इतना देर पकाऊंगी कि ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप इसे बना के डब्बे में रख लें और पूरे नवरात्रि इसे एंजॉय करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसमें भुना हुआ साबूदाने को डाल दे रही हूँ और इसे अच्छे से मिलाऊंगी, जो सारे साबूदाने पे कोटिंग अच्छे से हो जाए।
देखिए है ना कितना इजी रेसिपी, बनाने में कितना आसान और खाने में एकदम टेस्टी। मैं मखाने का भी, मीठा मखाने का भी वीडियो अपलोड की हूँ फ्रेंड्स, आप देखना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप देख लेंगे। मैं बहुत सारे फलाहारी का वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अब मैं इसे दूसरे बर्तन में पलट ले रही हूँ क्योंकि पैन गर्म है, इसमें ये जल्दी ठंडा नहीं होगा। जब ये ठंडा हो जाए तो आप चाहें एक दूसरे में जो चिपका हुआ दाना है उसे आप हटा सकते हैं, जब ठंडा हो जाए तो, अभी तो गर्म है। और इसे आप ठंडा करके डब्बा में रख लें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ फिर से नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।